रंगमंच कनाडा के मल्टी कल्चरल फ़्रिया पेशकश आवारगीव दानिश में आप सबका खैर मकदम मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों अजीज़ों शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब ट्रांटो की एक भीगीब भीगी है कम कम बादों बारा हैं यानी फ्रीजिंग रेन हो रही है बाहर और फोर डिग्री फील्स लाइक माइनस वन नफरत और मोहब्बत की कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती मुस्कुराइए एक घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे फ़नून लतीफ़ा शायरी मौसीकी न सिर्फ हमारी उदासी और तनहाई दूर करती है बल्कि रूहानी तौर पर हमें सरशार भी करती है आज आपकी मुलाकात एक हम जहत मल्टी डायमेंशनल फनकार से होगी सूफी सिफत खुश जमाल खुश खयाल खुश कलाम मोहतरम ध्रुव संगारी मेरे ब्रादरम बिलाल चिश्ती को दुनिया प्रिंस ऑफ कवाली के नाम से याद करती है आइए इनका सिराज लखनवी के एक खूबसूरत शेर से करते हैं कि दिया है दर्द तो रंगे कबूल भी देना जो अश्क आंख से टपके वो दास्ता हो जाए वेलकम टू अवर्गी विद दानिश बिलाल भाई आदाब 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 असला नमस्कार सत एंड ग्रीटिंग टू एवरीबडी एंड ख़ास तौर से हमारे मेज़बान जनाब जावेद दानिश साहब थैंक यू फॉर हैविंग दिस अदना हेयर एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आपने मुझे यहाँ याद किया तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका हजूर कि आप हमारे साथ हैं इस मौसम में जबकि बाहर हमने बताया कि फ्रीजिंग रेन हो रही है हमारे यहाँ <laughs> तो हम हम बात शुरू करते हैं साहब ये सबसे पहले ये बताएगी कि लोगों को आपके नाम के मामले में बड़ी तो साहब एक एक बड़ा ड्रामेटिक नाम है उसके ऊपर से बिलाल चिश्ती उससे भी बड़ा मुतबर, मु, मुबारक नाम है तो ये सफर क्या है कैसा है बताइए तो इसके बारे में मुझे भी ज्यादा दरअसल में जानकारी नहीं है लेकिन जितनी भी है किस्म किस्म की जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बिल्कुल जो अ, मेरा जो पैदाइशी नाम जो जो था ध्रुव संगारी तो ध्रुव यानि वो ऐसा सितारा जिसे कुतुब भी कहते हैं सितारों में और वो ऐसा तारा जो अपनी जगह से नहीं हिलता और उसकी तरफ जो है लोग अपना अतफ करके रास्ता ढूंढते हैं ऐसी नहीं। नहीं। आ, 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 जो है एक आ, आ, तो आ, आ, जो सेलर्स जो होते थे एक ज़माने में जो वो तो जो नाखुदा था वो पोल स्टार को देख के जो है वो अपना रुख जो है फिर वो दुरुस्त कर लेता था तो आ, और इसके अलावा जो संगारी जो नाम है Uh, वो uh, एक सर नेम है जो ओरिजिनेट करता है कहीं प्रॉब्ली समवेयर लाइक इन मॉडर्न डे ईरान एंड सो देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड संगार नॉट टू बी कन्फ्यूज प्लेस कॉल्ड संजर जो चा, हमारे uh, 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 जनाब हज़रत ख्वाजा मोहुल्दीन चिश्ती रहमत आबाब के आबा वजदाद की सरजमीन थी लेकिन संगार जो है एक प्रोविंस है जो अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पे कहीं पड़ता है तो यकीनन हमारे पुरखे कभी वहाँ से आके सेटल हुए होंगे पंजाब में बहुत ही अरसा पहले और तो उन, उन उनको वो ये अपने नाम अपने साथ ये नाम लेके आए सो इट्स इट्स अ लोकेशन स्पेसिफिक नॉट अक्यूपेशन और कास्ट स्पेसिफिक नेम सर नेम और जहाँ तक के बिलाल चिश्ती का सवाल है वो कुछ यूँ है कि हमारे मेरी जो बैत है वो सब लोग जानते हैं कि मेरी नस्बत चिश्तियों से बहुत बचपन से रही मैंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन अलिया रम के दर पे जाके 11-12 साल की उम्र से मैंने सूफ़ी कलाम सीखना शुरू किया उस्ताद मरहूम मिराज निज़ामी साहब के, के साथ और मरहूम उस्ताद इकबाल खान साहब से भी मैंने तालीम ली और फिर मेरे और भी गुरुजन रहे हैं जैसे पंडित बी एस जिनसे मैंने तबले की तरबियत ली और श्रीमती शाहना बनर्जी जिनसे मैंने इब्तदाई राग दारी मौसी की, की मैंने वोकल्स में तालीम ली लेकिन मेरा जो जौक़ था मेरा जो शौक़ था मेरी मोहब्बत थी वो सिर्फ सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ जाती गई और हालांकि राग विद्या में मेरी अच्छी तरह और ताल विद्या में तालीम रही लेकिन क्योंकि ये सूफ़ी सूफ़ियत बचपन से मतलब पठान खान साहब अबिदा परवीन जी उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब जिनसे बाद में मुझे मिलने और सीखने का शर्फ हासिल हुआ और साबिर बरदरान और कई दीगर मतलब ऐसे सूफी भक्ति म्यूज़िक के जो चमकते हुए सितारे थे तो बचपन से हमने उन्हें और जितने भी क्लासिकल म्यूजिशन थे सबको लाइव सुना तो बड़ी हमारी खुशकस्मती थी कि हम एक ऐसी जनरेशन में थे जहाँ लाइव म्यूज़िक का बहुत मान किया जाता था और मेरी वालदा मुझे हर लाइव कॉन्सर्ट में ले जाती और मेरी नानी खुद तो म्यूज़िक से बहुत ताल्लुक़ रखती थी तो और पसंद करती थी तो म्यूज़िक और शायरी सूफ़ी भक्ति सोच हमेशा रही ख़ानदान में और उसके बाद मेरी अपनी एक अंदर से एक मेरी एक सूफिज्म और जो है इस्लामिक मिस्टिसिज्म की तरफ मेरी एक जस्तजु बढ़ती गई और फाइनली मैंने जो है वो एक इख्तियार करी अपने लिए तो मेरे जो पीर मुर्शद हैं अजमेर शरीफ़ में सैयद डॉक्टर नजमुल हसन चिश्ती साहब तो उनसे मैंने बैत करी आज से करीब तेरह साल पहले तो वो बैत तो मेरी अजमेर शरीफ में हुई तो उसके बाद मेरा नाम बिलाल चिश्ती हुआ तो मैं दोनों नामों से जाना जाता हूँ और, 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 और Uh, जो है ना गंगा जमुनी तहजीब जो है वो दरअसल मैं मैं उसमें रचा बचा बसा इंसान हूँ तो मैं बहुत प्राउडली उसको कैरी करता हूँ अपने साथ वरफुल बहुत ही खूबसूरत सफ़र बहुत ही अच्छा सफर आपके जर्नी आपकी थी तो मेरा नॉर्मली तो सवाल जो पहला होता है ऐसा बड़ा फार्मूला सवाल होता है सब तमाम मेहमानों से कि ये जो बला गिला ये कोविड नाइन्टीन जो है तो ये रहमत है ये जहमत आपके लिए क्या Hmm. देखिए मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रहमत थी क्योंकि मैं हुज़ यू नो आजकल ये एक बड़ा वर्ड है बिलीवर एंड नॉन बिलीवर तो इफ़ आई यू नो एज़ मौलाना रूमी सेज दैट बिलीफ एंड नॉन बिलीफ के बीच में एक बहुत बड़ी जगह है अज खोफ रोज़ इस्लाम सेहरास्त लेकिन uh, उस सहरा में चलने वाला भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो डिसबिलीफ में है वो स्केप्टिकल है क्वेश्चंस पूछता रहता है ना और वो इरफान गेन करता रहता है वाँ। तो, वाँ। तो तो अगर कोई अगर हम मैं खुद को एक ऐसी इफ आई डेयर टू पोजीशन माय सेल्फ इन दिस स्पेस अह के इंडीड यू कैन बिलीव बट यू कैन आल्सो वो कहते हैं ना कि हैव ट्रस्ट इन द ऑलमाइटी बट टाई और कैमल फर्स्ट तो वो वही वाली मिसाल है कि uh, मैं ये मानता हूं कि uh, यकीनन कोई जरा भी जो है जिसने भी इस कायनात मुज़म को बनाया इसकी रचना करी कोई भी उसके 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 निज़ाम के बाहर कुछ नहीं है ना चाहे वो आप एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क में देखें या आप एक फ्रेमवर्क में देखें मगर क्लियरली ये एक वबा है क्लियरली एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें अगर हम इसको प्योरली एक सूफी पर्सपेक्टिव से देखें सो हमारे एक शेख साहब शेख इब्राहिम साहब कहा करते थे अल्लाह बख्शे के Uh, 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 अपने दिल की गुफा में जाओ और सब जितना ख़जाना है सब वहीं पाओ तो वो एक मिसाल जो है केव ऑफ द हार्ट सो दिस वाज अ टाइम टू गो एंड डू अ चिल्ला इन द केव ऑफ द हार्ट लिटरली फॉर ह्यूमैनिटी टू गो एंड रिकोगनाइज दैट एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग ऑन द आउटसाइड कैन बी करेक्टेड फ्रॉम इनर ट्रांसफॉर्मेशन और वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप पे एक किस्म से थोप दी गई वेद यू लाइक इट और नॉट आपने घर में बैठना है आप दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन पच्चीस दिन एडवेंचर कर लोगे और कुछ आप में पहले तो सबसे ज़्यादा नरा गुस्सा होगा फिर आप में वो आएंगे कि किसी पे अपनी वो कहते हैं ना गुस्सा निकालने के ख़्याल आएंगे और उसके बाद फिर आप शायद निकालेंगे फिर तो फर्स्ट इज़ रेज है ना उसके बाद आती है क्या आती है सेल्फ डाउट और फिर फाइनली आप एक्सेप्ट करते हैं उस रियलिटी को कि हाँ दुनिया हमेशा तो के लिए हमारे के लिए बदल चुकी है तो जब इस मौजू पर आदमी की सोच आती है तो उसके बाद फिर वो अपने अंदर झांकने पे मजबूर हो जाता है और फिर अगर वो शेर व शायरी और आ, क्या कहते हैं मसाइल तस्व और आ, आ, यू नो आ, 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 उससे जुड़ा हुआ है तो फिर वो उसकी सोच की ऑब्वियसली एक सर्टन लेंस के थ्रू वो उस चीज़ को देखेगा या देखेगी और ये लेंस वो है कि आई थिंक ये जो भी वायरस है इसके जो भी शुरुआत थी जहाँ से भी थी ये एक किस्म से दिस इज़ बिकम अ काइंड ऑफ ये ठीकरा हमारे सर पे हमारे ही अब्यूज़ जो हम कर रहे हैं इन्वामेंट का एक दूसरे का एक बहुत जो फ़ाइन एक कुदरत का जो बैलेंस है उसको जो हमने उस, उस उसको बैलेंस को हमने ख़राब किया है ख़राब क्या किया है हमने उस मीज़ान को तोड़ दिया है बेसिकली और वो अब तो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि पोल्स भी अब शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ जाने लेकिन क्लियरली दिस इज़ अ बिगनिंग टू अ कैटस्ट्रॉफिक ग्लोबल इन्वामेंटल मेल और नए नए वायरसेज आएंगे बहुत कुछ होगा तो uh, इसीलिए ये टाइम अंदर झांक के अपनी रफ्तार धीरे करके और अपने आप को बैलेंस में लाने का है उस हिसाब से तो ये रहमत है और जहमत तो खैर हमें पता ही है क्या क्या कितने हमारे चले गए हम तो मतलब के वो कहते हैं ना कि इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं तो ऐसे मतलब गम दरपेश आए कि अब तो आंसू भी सूख गए कितनों का हमने मलाल किया कितने बिछुड़ गए और Uh, वो कहते हैं ना कि दे विल बी अ टाइम टू ग्रीव लेकिन अभी हम सब सर्वाइवल मोड में है ना यहाँ वहाँ हम देख रहे हैं कि हमें इससे बचना है उस चीज़ से बच के रहना है ऐसे करना है वैसे नहीं करना अब अपने जो हैं तिजारत के और अपने कमाई के क्या ज़रिए होंगे और हम आगे क्या करेंगे दुनिया कैसी होगी क्या एज एन आर्टिस्ट मैं कहीं ट्रैवल कर पाऊँगा वॉट विल है तो अभी ये सारी चीज़ों ने जो है एड्रेनलिन जो है ऊपर रखा हुआ है लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होगा और आदमी सोचेगा कि हमने क्या क्या खो दिया जो है अपने आप को बचा के रखने की इस उसमें इस वबा से सो so, उस हिसाब से तो अभी जहमत बहुत बाकी है और बहुत लोगों ने जो बहुत कुछ खोया है उन पर तो एक अजाब ही नाजिल हुआ है एक किस्म से और एक बहुत बड़ा इम्तहान है ये तो इसीलिए नोबड़ी कैन नोबड़ी कैन एक्चुअली से जी इसका तो कोई ख़मियाजा नहीं था और किसी को कोई एक्चुअली आई थिंक हार्डली कोई भी होगा जिसके लिए एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा हो जिस जिसको जिस जो तो इसे घुटने पे ना ले आई हो ये एक छोटी सी एक प्रोटीन का एक टुकड़ा तो इसीलिए आई फील कि मेरे पर्सनली बहुत कुछ मेरे ज़िंदगी में भी बदला बहुत अपनों को खोया बहुत सारी चीज़ें अपनी अपने बारे में ऐसी समझ आईं जो शायद पहले जिनके लिए ना वक्त था और न फुर्सत तो और साथ ही साथ एक ज़िंदगी को एक नया रुख अपनी काम को एक नया रुख देने की भी कुछ सोच पैदा हुई और अपने अंदर झांकने की एक सलाहियत जो है वो ज़्यादा मजबूती से जो है वो वो प्रोसेस वो चालू हुआ तो आई वुड से के जहमत भी था रहमत भी था पर्सनली मेरे लिए जो जहमत के एस्पेक्ट्स हैं वो रहमत के एस्पेक्ट्स को ट्रम्प नहीं करते नहीं करते लेकिन मैं सबके लिए ये नहीं कह सकता बट आई रियली फील के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उसको एक्चुअलाइज करना so, चाहता हूँ। वी ऑल ऑफ अस जी अजय साहब बहुत सारे आपके चाहने वाले हमारे साईं दीवार में हमारी वॉल पर आ चुके हैं सबका आदाब संजय बहुत सारे आपको बेथिया जगह है बिहार में हमारे दोस्त हैं ज़फर इमाम कादरी साहब आपको आदाब कह रहे हैं और उजमा इरफान साहिबा हमारी बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट दोस्त हैं ब्रैमटन टोरंटो की वो आदाब कह रही इखलाक आहान आप जानते होंगे है। है उस्ताद की तरह और जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है कलकत्ते देख रही है आदाब कह रही आपको और साजदम मलदीना साहिबा देख रही है आदाब कह रही कहती हैं जावेद दानिश भाई थैंक यू फॉर ब्राइटनिंग आर सैटरडे मॉर्निंग मेहरबानी शुक्रिया नवाजिश मोहम्मद एम डी खान भाई दिल्ली से देख रहे हैं याद कह रहे हैं डॉक्टर अक्सा शेख हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और बहन है हमारी डॉक्टर अक्सा दिल्ली से देख रही हैं और ये जाम हमदर्द में डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं पढ़ाती हैं फरमारी वॉइस वर्ड्स बहुत अच्छा अतिया नफीस साहिबा देख रही हैं जुबैर शादाब अलीगढ़ से देख रहे हैं याद आप कह रहे हैं और साई नवाज भम्बरू ये कुवैत से देख रहे हैं हमारे दोस्त और आदाब आपको कह रहे हैं साहब देख रहे हैं आदाब कह रहे हैं जितेंद्र धीर साहब हमारे दोस्त हैं चाहे दिल्ली से देख रहे हैं तो काफी दोस्त जमा हुए जीबा जफर साहिबा हमारे बड़े अच्छी दोस्त हैं अफसाना निगार हैं वो बॉम्बे से देख रही हैं मंजर जमील भाई हमारे दोस्त हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं एक तरह से और न, आजकल सी ए के लिए मेहनत कर रहे हैं उसके खिलाफ और uh, मंजर जमील देख रहे हैं कलकत्ते से आदाब कह रहे हैं अदनान मिर्जा हमारे यंग रिसर्च स्कॉलर हैं आपको आदाब कह रहे हैं सो लॉर्ड ऑफ पीपल भाई आप लोग देखते रहें हम लोगों को जरा सा बात भी करने दें तो आप सबों का आदाब हमारे ध्रुव भाई भी आदाब कह रहे हैं आप सबों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो जनाब हर फनकार का जो है एक बड़ा शरीर सा और खास करके पंजाबी फनकार का बड़ा शरीर बचपन हुआ करता है कि आपका कैसा था और कहाँ था <laughs> माफ कीजिएगा हमने ज्यादा लिबर्टी ले ली मगर साहब पंजाब के नाम से बातें जो हैं वो हरे भरे खेत और खलिम सब नजर आने लगता है और नाचते गाते लोग बात कहाँ था बचपन आपका मेरा बचपन तो मतलब देखिए जो मेरी मादरी ज़ुबान है अगर ऐसी कोई चीज़ है अभी एक उसके लिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक एक दिन भी मनाया गया हाल ही में गया तो तो गया। मेरी मादरी ज़ुबान एक नहीं है आ, मेरी मादरी ज़ुबान चार पांच हैं तो और एक तो डेरे वाली है जिसका मैं एक लफ्ज नहीं जानता एक पंजाबी है ख़ास तौर से दुआबी जिसे टकसाली जबान या दुआली उसको मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ और, और मैं उसमें और फिर सराय की जो है थोड़ा बहुत उसी के हवाले से मुझे तो पंजाबी और सराय की और अफकोर्स क्योंकि मैं दिल्ली में पला बड़ा हुआ तो उर्दू और फिर क्योंकि मेरी जो जिस जबान में मैं सोचता हूँ वो जबान अंग्रेज़ी है तो आल्सो दैट्स आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड माय वर्ल्ड एंड माय लाइफ एंड एक्सप्रेस माय सेल्फ तो वो सारी ज़ुबानें मेरी अपनी हैं मैं किसी चीज़ को ये नहीं कह रहा कि नहीं अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत अमीर खुसरो रहमत जो थे वो कहते थे तुर्क इंडिया मन हिंदवी चुआब मैं बहते पानी की तरह हिंदी बोलता हूँ तो तो मैं हूँ तुर्क और यकीनन मेरी मादरी ज़ुबान जो है वो टर्किश है या टर्किक है और मेरी जो कल्चरल जुबान है वो पर्शियन है लेकिन जो मेरे दिल के करीब ज़ुबान है जो जो जिस जुबान के साइट्स और साउंड्स और जिसका कल्चर मेरे आसपास पनपा और जिसमें मैं पनपा वो हिंदी है लेकिन साथ साथ उन्होंने कभी कुछ फॉर्मली उसमें नहीं लिखा आम, तो आम, आ, उन, वो मतलब उनसे जब पूछा जाता कि हज़रत अमीर खुसरो आप हिंदी में इतना कुछ पढ़ते हैं ओरली और आपने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये जो जिस जुबान को आप रेख्ता कहते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने कुछ चंद चीज़ें लिखी थी लेकिन वो सिर्फ दोस्तों की नज़र कर दी दे ए सेंस यूज सही कि ये एक एक्सपेरिमेंट है कि जहाँ मैं हिंदवी और फारसी को मिक्स कर रहा हूँ और अफकोर्स वो एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा हो गया कि बाद में जाके आफकोर्स जब वो अपनी प्रॉपर शक्ल में आया तो हमारे पास एक पूरी विरासत उर्दू की जो है वो आई तो तो इसीलिए आई थिंक ये जो मादरी जुबान का मामला है और मादरी मादरी वतन और जो कल्चर का पूरा जो मसला है इसमें एक बहुत फ़ाइन लाइन होती है कि अगर तहजीब जुबान और जो मजहब जिसमें आप बड़े होते हैं वो आपके लिए सिर्फ़ एक दूसरे लोगों से आ, 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 मतलब झगड़ने का मुद्दा है और आपसी इंतशार पैदा करना उसका मकसद बन जाए या आपको लगे कि मेरी आइडेंटिटी इससे है आ, वो इकबाल क्या कहता है ना जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए तो सारे अगर आपको झगड़े छोटी 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 चीज़ों को पकड़ के यहीं निकालने हैं तो वो सारी चीज़ें आपके किसी काम की नहीं हैं Uh, तो इसलिए uh, uh, वो चीज़ों उन, उन उनसे मोहब्बत करना उन उनको अंग लगा के रखना उनको एक्सप्रेस करना और उन रियलिटीज़ को जीना uh, एक सेलिब्रेशन होना चाहिए एक uh, एक फसाद का का बायस नहीं बनना चाहिए तो इसीलिए आई नेवर से यू नो लाइक आई लव दिस मिसाल जो वो देती थी शायद uh, महाश्वेता देवी थी या कृष्णा सोपती थी मुझे याद नहीं uh, वो कहती थी कि मैं एजुकेशन uh, से मैं क्रिश्चन हूँ और जो तहजीब से मैं एक मुसलमान हूँ और मज़हब से धर्म से मैं एक हिंदू हूँ तो तो वो लोग ऐसे भी थे ऐसे भी थे लोग जो उस तहजीब को जिए और जैसे हुसैनी ब्राह्मणों का बड़ा एक तस्करा भी आता है तारीख में तो इसलिए ये जो गंगा जमुनी तहजीब अपने आप को किसी भी किसी भी तरीके से वो कर सकती है एक्सप्रेस कर सकती है Express, uh, और बाकी सब आपका जाति मामला है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आस्कडी वाई देस पर्टिकुलर फेथ दिलजस् से मुझे उससे सुकून मिला मुझे वो पैगाम अच्छा लगा क्योंकि खुदा को तलाशने के तो कई तरीके हैं तो uh, इसीलिए मेरे हिसाब से uh, मेरी तो चार पांच मादरी ज़बानें हैं और लेकिन जो ये टिड है ना मेरी ये पेट जो है मेरा <laughs> ये आपको बताएगा कि दरअसल में मैं दुआ भी हूँ और दरअसल में मैं डेरेवाल हूँ बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम आई लॉस्ट टच विद डेरेवाली एंड यू नो वैन वी मीट पीपल हुआ डेरेवालन वी लव टू लिसन टू दैट उसका लहजा बट आई आई नो हाउ टू स्पीक इट लेकिन पंजाबी उर्दू हिंदी अंग्रेजी सब मैं अच्छी तरह समझता हूँ और फारसी की मेरी बहुत रूडिमेंट्री वर्किंग नॉलेज है लेकिन जस्ट uh, इनफ के जो मैं गा रहा हूँ उसको कॉन्टेक्स्ट में डाल सकूँ अपने लिसनर्स के लिए uh, तो एंड आई वुड से पंजाब का मतलब लैंड ऑफ फाइव रिवर्स है तो वो भी एक मजमा उल बहरेन की मानिंदी है ना इट्स नॉट समथिंग तो वो मिली जुली तहजीब है सारी तो इसीलिए तो, उसका अपना मजा है बचपन बचपन या दिल्ली में नहीं मेरा बचपन दिल्ली में गुजरा और Hmm. मैं दिल्ली में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उर्दू जो है और जो आ, पूरी जो मतलब उर्दू इन इट्स ऑल इट्स मैनी मैनीफोल्ड फॉर्म्स इंक्लूडिंग इट्स को फॉर्म्स फॉर एग्ज़ाम्पल बती ज़बान हो गई या जो पुरानी दिल्ली की जो आर्याओं जारियाओं वाली जबान है अब उसको लोग उर्दू नहीं कहेंगे कोई भाषा कहेगा कोई बेगमाती जबान कहेगा लेकिन फॉर मी दे आर ऑल कल्चरल एक्सटेंशनज ऑफ द लार्जर लैंग्वेज विच इज़ उर्दू तो उर्दू और हिंदुस्तानी जो दिल्ली में बोली जाती है उसका बहुत मज़ा है और वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उस जबान से और इनफैक्ट दास्तान गोई भी की जो जो दिल्ली में दिल्ली की उर्दू की जबान में होती हैं उनसे मुझे बहुत बहुत खुशी महसूस होती है उन्हें सुन के साहब हमारी मिधत शेर साहिबा हमारी अलीगढ़ की साथी हैं टोरटो से आपको आदाब कह रही हैं और जनाब मैरा रहमान न्यूयॉर्क से आदाब कह रही है, बहुत अच्छी है हमारी और धीर भाई का आपको बताया था नमस्कार और गीतिका खन्ना देख रही है आपकी बहुत बड़ी फैन है न्यूयॉर्क से देख रही है जी मासूमा रू वाला बॉम्बे से हमारी दोस्त हैं देख रही हैं आदाब कह रही हैं और हुमैरा बता रही हैं कि साहब ये जो रवैया आपने बताया जो ये जो फलसा आपने बताया है अभी गंगा जमनी तहजीब की बातें जो हुई हैं कह रही है कि इस रवैये को आम करने की जरूरत है मजहब नहीं दिखाता आपस में बैर रखना बिल्कुल फारूक इंजीनियर भाई हमारे आदाब कह रहे हैं आपको कफील अहमद हमारे दोस्त हैं टोरंटो से बल्कि विडबी से आदाब कह रहे हैं संगीता खन्ना अहमद न्यूयॉर्क हमने आपको बताया हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं रिश्ते में हमारी भाभी हैं बल्कि दोस्त तो हैं भाभी भी हैं महमूद अहमद साहब की आप वी हैड दी ऑनर एंड प्लेजर ऑफ योर विजिट टू आर गरीब खाना इन न्यूयॉर्क विद बशीर भाई बेंजो वाले मेमोरी द ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ इट इज इन ग्रेव इन आर हार्ट यू आर ट्रूली अ जेम महमूद गीतिका एंड संगीता देखिए सब तीन तीन आदमी एक ही बात को दोहरा रहे हैं yeah. आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया देखती रहिए तबस्सुम आजमी साहब अभी अभी आई हैं वो भी आपको आदाब कह रही हैं एक बड़ी अच्छी गुफ्तु बहुत ही जबरदस्त ये पूरा एक सेमिनार का सेशन है हम इसे घंटे में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं बहुत मुश्किल है नशित में हाँ तो uh, कभी हम ध्रुव uh, भाई के साथ रात भर भी बैठेंगे दोस्तों मगर आज जो है वक्त की किल्लत है तो ये भी बताइए कि आप लिरिसिस्ट भी हैं वोकलिस्ट हैं आप कंपोजर भी हैं तो ये इतने सारे कठिन काम आप एक साथ कैसे कर लेते हैं और क्यों कर कर लेते हैं <laughs> <laughs> नहीं मैं बहुत आई एम जस्ट जैक ऑफ ऑल ट्रेड अ मास्टर ऑफ नन तो आ, 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 मतलब मैंने आ, 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 अपनी जो मेरी पहली एल्बम थी आ, जेट लैग आ, वो दसाज एक हमारा बैंड था तो वो इलेक्ट्रो अकूस्टिक फ्यूजन के आसपास बेस थी तो उसमें ज्यादातर लिरिक्स हिंदी और पंजाबी में जो थे मेरे ही थे और उसमें हमने एक हजरत बोली शाह कलंदर साहब का एक फ़ारसी कलाम हमने यूज़ किया था आ, लेकिन आ, वो एल्बम ना इट वाज़ अ लिटल हेड ऑफ़ इट्स टाइम मगर बड़ी इंटरेस्टिंगली अब मेरी ज़िंदगी में वो सारे लोग जो उसको आज से पंद्रह साल पहले सुना करते थे वो सब एक साथ वापस आ गए हैं और मुझे पता नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग एस वॉज़ वेरी टचड Uh, उसके बाद uh, मेरा लिखना कुछ साल कम हो गया तो मैं अफ़कोर्स uh, जो मेरे लाइव शोज़ होते थे उसमें मैं मन और uh, ख़याल वग़ैरह मरसीए uh, नाते मैं ज़रूर लिखता था आज भी लिखता हूँ मेरा बहुत शौक़ है और uh, उनको लाइव गाता हूँ uh, पर फिर रिकॉर्डिंग का सिलसिला दोबारा चालू हुआ तो कुछ उसमें रवायती चीज़ें तो होती ही हैं और एक दो मेरी जो बॉलीवुड का मेरा जो फोर एज हैं उनको छोड़ के एक मैंने सॉन्ग मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं उन, उन्होंने एक फिल्म में आ, एक सॉन्ग गाया था विच वॉज ऑन द भोपाल गैस ट्रेजडी आ, भोपाल अ प्रे ऑफ रेन उसमें मेरे ख्याल में शायद देवर अ फ्यू एक्टर्स फ्रॉम द हॉलीवुड एंड उसमें शिल्पा ने शिल्पा राव ने एक सॉन्ग गाया था तो सड़े पिंजर गली रूह हैं संवार दे ज़रा जम के अब तो बरस ए अब्र करम तो वो सॉन्ग मैंने लिखा था और अब जो हूँ मैं नए सिरे से कुछ चीज़ें दोबारा लिख रहा हूँ जो नए अब अपने, अपने अपना सेटअप जो है मेरा अपना सेटअप है तो इसने मुझे भी इंस्पायर किया तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे यंग कंपोजर्स प्रोड्यूसर्स आते रहते हैं तो तीन चार सॉन्ग्स मेरे पास आए हैं जिन पे मुझे कुछ पे मुझे भी लिरिक्स लिखने को कहा गया है और कुछ ऑफ़ कोर्स ऑलरेडी लिखे लिखाए हैं तो मैं दोबारा अब जो हूँ वो आ, जो है वो क्या कहते हैं आगे लाला से रोशन हुए वाला मामला हो रहा है तो ना, थोड़ा ना, सा एम वंस अगेन मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा वाला मामला दोबारा से चल रहा है क्योंकि उम्मीद की एक नई किरण है और हमें लग रहा है कि बस इनशाला अब ये सब जल्द थोड़ा सा थमेगा हमें लाइव कॉन्सर्ट्स और रिकॉर्डिंग्स कोलेब्रेशन दोबारा चालू होंगे uh, तो uh, उस पर उस दिन के इंतज़ार में uh, अब हम जो हैं जल्दी जल्दी वी आर मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम राइटिंग मेनी न्यू सॉन्ग्स तो uh, इसके अलावा ऑफकोर्स मैंने सॉन्ग्स अरेंज किए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोक स्टूडियो में मैंने सॉन्ग्स uh, uh, किए तो उनमें से एक सॉन्ग uh, जो है वो मैंने ख़ुद प्रोड्यूसर अरेंज किया Uh, और uh, तो इस तरीके से मतलब uh, काफ़ी स्पोरेडिक uh, रहा है मेरा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हूँ बट आई हैव फॉर एड इन टू कम्पोजिंग लिरिक्स बट प्राइमेरिली आई सी माई सेल्फ एज एन इंटरप्रेटर ऑफ सूफ़ी भक्ति म्यूज़िक तो सूफी wow. भक्ति कलाम जो मैं गाता हूँ पढ़ता हूँ uh, चाहे वो खानकाहों दरगाहों में हो महफिलों में हो या बड़े प्रोग्राम्स में हो फेस्टिवल्स में हो तो वो ही मेरा आज भी मेरा शौक भी है और मुझे जो है खुशी भी मिलती है उससे बहुत। वाह वाह सब दोहा कतर से हमारे दोस्त हैं छोटे भाई शाहबुद्दीन अहमद साहब आपको आदाब कह रहे हैं और कलकत्ते से तारिक अंसारी साहब हमारे स्कूल के साथी हैं और आज बरसों के बाद आपके बहाने हमारी महफिल में आए हैं और तारिक साहब का शुक्रिया मेरा रहमान कह रही हैं कि भाई बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है कुछ सुनवाई दीजिए तो चलिए साहब कुछ सुना जाए लोगों की थोड़ी सी प्यास वो हो रशीद रशीद प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो आई हैं और आपको आदाब कह रही तो चलिए साहब कुछ सुना जाए किबला मैं आपको एक, तो, एक दो चीज़ें सुनाता हूँ जी जी जी. चीज़ आपको पहले सुनाता हूँ और हुँ. फिर खाजा एक मैं आपको मौला अली की शान में जो हूँ क्योंकि रजब का महीना है रज़ब मैं, का आपको मैं आपको अभी योम विलादत हज़रत मौला वजू का गुज़रा तो उसमें मैंने कुछ कंपोज किया था अभी कुछ दिनों पहले तो अभी ये नई चीज़ है तो ये रिकॉर्ड नहीं हुई लेकिन मैंने लाइव गाई है तो थोड़ा सा मैं गुनगुनाता हूँ और फिर मैं हमारे ख्वाजा मोनुलद्दीन रहमल जिनका भी उर्स गुजरा गरीब नवाज़ ख्वाजा हिंदल वली का तो उनकी शान में मैं एक एक नई चीज़ वो मेरी नहीं है लेकिन अभी अभी जो है आ, आ, हाल ही में आई है आ, कवाल हजरात के बीच तो मैं वो भी थोड़ी सी आपको गुनगुना के आऊँगा तो अताव। आए, आ, आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा ज़रा कोशिश करूँ अहिर भैरव राग जो है अहिर मिश्रित मिशर थो, थोड़ा थोड़ा मकाम हिजाजी से इसका इस, इसका लेना तो जैसे हमारे यहाँ राग होते हैं वैसे ईस्ट में और तुर्की वगैरह में आवाज या मकाम के नाम से तो मकाम आवाजा के नाम से इस गायकी को जाना जाता है तो हज़रत तमीर खुसरो का यह बहुत बड़ा काम था कि उन्होंने ये दो बहुत बड़ी स्ट्रीम्स को जो है एक कर दिया आ... oh तुझे जान गए हद से गुजरे तो हद से गुजरे तो नुसेरीबी खुदा मान गए लाख परदे पर दे तेरी तस्वीर पे डाले लेकिन तुझको पहचानने वाले तुझे पहचान वाले। ya Ali Muşkil Kuşa Şehre Kuda Mola Ali Ya Ali Muşkil Kuşa Şehre Kuda Mola Ali Ya Ali Muşkil Kuşa Şehre Kuda Mola Ali Ya Ali Muşkil Nekushashere khuda mula ya ali mula फिर कलंदर की <coughs> मोला फिर कलंदर की सदाई सारे गरे गारे दानी दबा दा मगरे दा फिर कलंतर की सदा आई तू कुजा मन कुजा जिक्रत कुजा मोलाया ले मुश्किल कुशा शेर खुदा मोलाया ले या अली मुश्किल कुशा شیر خدا مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی वाह वाह क्या कहने साहब वाह मैं एक मनकबत थोड़ी सी आपको सुनाऊंगा इसी बहर में ਯਾ ਮੋਈ ਯਾ ਮੋਈ ਯਾ ਮੋਈ ਬਸ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ चरा गे चिश्त शहे ओलिया गरीब नवाज चरा गे चिश्त शहे ओलिया गरीब नवाज मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज मैं पुल सिरात से गुजरू तो इस तरह गुजरू मैं से रात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं इधर फरीद खड़े हों उधर गरीब नवा या यमोई या गरीब जान के हर एक ने मुझको टाल दिया गरीब जान के हर एक ने को टाल दिया गरीब जान के हर एक ने को टाल दिया तुम अपने दर से टालो मुझे गरीब नवा या मोई, या मोई।

ये जो आज की कवाली है और जो समा है इसमें क्या फर्क है ये बताइए बिल्कुल ये बहुत दरअसल ये ऑनलाइन के दौर में मुझसे लगभग अहमदल्ला रोज ये सवाल होता है आ, <laughs> और रोज है मैं खुद इस सवाल के बारे में सोचता हूँ और खुद कोई ही कौड़ी तल के ले आता हूँ तो भी काफी सारी कौड़ियाँ जमा हो गई हैं और वो कई अलग किस्म के जवाब हैं अब सिमा का जो असली मकसद मानियो मकसद है उसका हासिल वो क्या है एक श, एक पोए है एक आ, नजम है जो जिसके शायर के बारे में किसी को मालूम नहीं लेकिन वो फारसी में है और उसका जो पहला उसकी जो पहली लाइन है पहला मिसरा ही उसका ये है कि दानी दानी ये समाचे बूद जानते हो सम क्या है सौते बला बलाशुनिदन सौते बला सुनीदन यानी कालू बला की आवाज को जो जिसे हम कहते हैं अलस्त बिरब जब कहा गया जब पूछा गया तो उस सदा को उस सदा को जो है जो हमारी रूहें लेके आती हैं अरवाज से उस चीज को सुनना उस चीज का सुनना और पर्दा ए लाहूत के पीछे से जो जो बिलवड की जो यार की जो हक दोस्त की आवाज़ आ रही है उसको सुनना और उसको अपने अंदर बिठाना और जो पुराने जो सूफ़ी थे आ, याने जैसे हज़रत राबिया बसरी आ, जैसे हज़रत अल मिसरी ये लोग जो थे Interestingly, many of these people were freed slaves, so they were of African ethnically African origin, or a lot of them, just like Hazrat Bilal, they were freed slaves. They were freed from captivity and liberated, uh, and so in apna jo music tha, usko kafi sare us music ke tradition ko inhone uh, Sufia Ekram ki service तो ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि समा क्या है और ये इनका ये कहना था बहुत सिंपल कि वो चीज़ वो शे वो म्यूज़िक वो मेलोडिक एक्सप्रेशन वो चीज़ जो आपको खुदा ताला के नज़दीक ले जाए वो समा है और जो उससे दूर ले जाए वो समा नहीं है ये एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इसके बाद हमें कई और एग्जांपल्स मिलते हैं आ, कि सूफिया कुछ समा को सुनते थे कुछ नहीं सुनते थे जैसे हज़रत गौ से आज़म रब्बानी वो समा के मुनकर नहीं थे लेकिन वो कहते थे कि मैं पर्सनली ज़्यादा नहीं सुनता लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जैसे हमारे चिश्तियों में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औली रम्ह जो कहते थे कि अगर मैं तीन दिन समा को नहीं सुनूं तो खुसरो मुझे लग रहा है कि बस मेरा एक रूहानी रु, तौर पे मेरा विशाल हो गया तो वो इसमें भी बहुत डाइवर्सिटी रही है नक्शबंदियों में ट्रेडिशनली समा नहीं सुना जाता था आ, लेकिन जो मवलवी सिलसिला है वो बहुत बड़ा उसमें भी समा है तो चिश्तिया और मवलविया स्ट्रीम्स में समा सबसे स्ट्रॉग है हमारे एशिया में और फिर मगरब में और अलग अलग तहजीबें हैं मोरक्को में जब में आपको अलग अलग फॉर्म मिल जाएंगे समा के लेकिन जो चिश्ती सूफी समा या कवाली है उसका प्योरली मकसद यही था जो जिसे हम जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि ला इलाह दी सीढ़ी ते बे के ला इलाह दी सीढ़ी ते बै के अनाहत नाद बजावांगी मैं रुठड़ा यार मनावांगी मैं तो रुठड़ा यार मनावांगी तो आप इसके बारे में सोचिए अनाहत नाद का मतलब जो है अगर संस्कृत का जो ये वर्ड है इसको अनहद नाद भी कहा गया है लेकिन दरअसल में अनाहत नाद का मतलब है अनस्ट्रक साउंड यानी द मोमेंट ऑफ क्रिएशन यानी द मोमेंट ऑफ कुन, यू नो और अगर एक रू के कॉन्टेक्स्ट में या ओम रू के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहा जाए तो खालू बला तो लोग कहते हैं ना हम तो खालू बला के आशिक हैं सल्लम के कॉन्टेक्स्ट में लोग कहते हैं खालू बला के आशिक क्योंकि सब रूहों ने वो पैगाम सुना और तो वही पैगाम को एक मेलोडिक तरीके से जो पैगाम और उसको एक मोहब्बत एक इंसानियत एक ऐसे बहुत ही ख़ूबसूरत गुलदस्ते में डाल के कवाली जो पेश करती है दरअसल उसका इंटेंशन यही है इंटेंशन आपके अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहत ने दिल्ली के शौरा से कहा कि तुम्हें अपनी शायरी में ज़बरदस्ती तसवुफ़ के थीम्स को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है हम सूफिया हम अपना खुद बातनी मतलब जो है से निकाल लेंगे तो मुझ अपनी शायरी हमें सुनाने से गुरेज मत करो आओ सब आओ और हजरत अमीर खुसरो के जो कवाल बच्चे थे मियाँ सामती के सरपरस्ती में उनसे कहा गया कि आप नए नए मेलोडीज़ में और चुनिंदा कुछ मकाम और रागों में इनको ढाल के आप करिए सुनाइए ताकि लोगों को हमारा पैगाम अपनी जुबान और अपने तरीके से मिले क्योंकि एक म्यूज़िकल औरटेड कल्चर में आ, आप किसी ऐसी लैंग्वेज के ज़रिए जो आम लोग नहीं समझते आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो कवाली भी भजन कीर्तन इन चीज़ों की तरह फोक तरह और वो अगर आप वर्नाक्यूलर लैंग्वेज़ और रीजनल कल्चर्स में देखें तो कवाली जो है तेलुगु में भी होती है और जो है मारवाड़ी ज़बानों में भी होती है और कश्मीरी में भी होती है और लेकिन हाँ वो मकबूल जो है पंजाबी हिंदी फारसी और उर्दू में है लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी जुबानों में सिंधी में होती है बहुत सारी कवालियाँ तो हर कल्चर में ने जहाँ जहाँ सूफ़ी भक्ति मूवमेंट गई एक आ, 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 जिसे वहदतल ववजूद का एक या जिसे हम वशिष्ट अद्वैत कहते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट लेके यूनिटी ऑफ़ ऑल थिंग्स इन एग्जिस्टेंस तो सूफी एक्सपीरियंस जो है वो है उसी का एक्सपीरियंस उस जो है ना हर हर शय जो ज़िंदा है जिसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहें अगर एक कल्चरल या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को देखें तो सूफी ने उसको सेलिब्रेट किया हमेशा और और उस सेलिब्रेशन का एक बहुत बड़ा मीडियम जो है वो कवाली रही तो इसलिए जो 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 लोग सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट ऑफ लव ऑफ यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ़ टॉलरेंस हारमोनी एंड यू नो दननेस ऑफ द क्रिएटर एंड द क्रिएशन में यकीन रखते हैं उनको कवाली हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती है और uh, वो कलाम जिसको मैं कहता हूँ ना टेक्नोलॉजी ऑफ द हार्ट ये खुद चीज़ ही ऐसी है जो बजात खुद इतनी ताकत एक बनाई गई ये आदमी के अपने आप अंदर एक जो है चोट होती है दिल पे और जो मौलाना रूमी जो मिसाल देते हैं इलायची के उस दाने की तरह जो जब फटता है तो दुनिया में खुशबू फैलती है तो वो आ, वो जो है वही होता है वही उसका मकसद है कि आपके दिल को चीर के उसमें रोशनी उसमें उम्मीद उसमें मोहब्बत भर तो जो लोग कवाली को, को नहीं भी समझते वो भी इतनी मोहब्बत करते हैं आप खुद जानते हैं उस्ताद अली ख़ान साहब जब आते थे तो लोग तो पागल हो जाते थे लोग पागल होकर नाच रहे होते थे तो उन्हें समझ नहीं आता था कि क्यों नाच रहे हैं लेकिन उन्हें लगता था कि कुछ बहुत बड़ा हमारे अंदर कुछ बहुत कुछ हो रहा है पर हम उसे एक्सप्रेस नहीं तो हजरत अमीर खुसरो की वो जो बात है ना वो आरिफाना उनका जो कलाम है कि नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जाए के मुझे पता नहीं मैं कल रात कहाँ था लेकिन बस रक्स ही रक्स था और मोहब्बत ही मोहब्बत थी तो वो वो दैट्स हैपन्स टू पीपल आई हैव सीन मेरे कॉन्सर्ट्स में और मैं क्या हूँ बड़े बड़े आर्टिस्टों के कॉन्सर्ट्स में ऐसे लोग हाल में चले जाते हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है तो ये एक कमाल की बात है इट्स अ रियल इट्सफॉर्मेटरी एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट नहीं है इट्स इट्स मेंट फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाह अच्छा भाई हमारे कुछ और नए साथी आए हैं आपको आदाब कह रहे हैं हसफा अख्तर साहबा हफ् अख्तर बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं वो आपको आदाब कह रही हैं उर्दू पढ़ाती हैं और जाहिदुल हक साहब प्रोफेसर हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के माय दोस्त हैं अलीक साथी हैं वो आदाब कह रहे हैं और जनाब तार बाल साहिबा बहुत अच्छी शायरा हैं और राय बरेली से आदाब कह रहे हैं मेरे ख़्याल में राय बरेली या बरेली से हैं और शशिर पार्क की हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे गज़ल सिंगर हैं वो आपको आदाब कह रहे हैं वो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है और वक़ार रईस भाई हमारे दोस्त हैं टोरंटो के तो वो आदाब कह रहे हैं और देखिए ऐसे मौसम में भी लोग आपको सुन रहे हैं <laughs> कुछ तो हाँ वाँ। कुछ तो चेंजेज आपने किया मौसम में शहनाज नकवी साहिबा देख रही हैं सुन रही हैं आदाब कह रही और जुबैर शादाब याद दिला रहे हैं कि ये तो सब बातें बड़ी अच्छी हैं और क्योंकि अलीगढ़ के हैं जुबैर शादाब प्रोफेसर आदमी कहते हैं ये सब तो हम भी पढ़ाते रहते हैं कुछ सुनने सुनाने की बात करो ठीक है तो आपको याद दिलाऊं कि हमारी आपकी बहुत बड़ी फैन गीतिका जो है न्यूयॉर्क से उसने सुबह से ही हमें टेक्स्ट करके ये किया हुआ है कि ये चीज आपको जरूर सुनाना है अगर आ, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर ध्रुव बाई ने नहीं सुनाया तो ये आपको सुनाना होगा बाद में तो मुझ पर करें। आप आप। और मैं तो हारी जीत ली बाजी। तुमने आप आप आप। आप। बड़ा पॉपुलर इसके थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी बताएं भाई कि बहुत ही मशहूर बिल्कुल तो दरअसल क्या है ना कि जब एक स्टाइल जो है हमारे यहाँ सुहेला, मनकबत, अल्बाना ये चीज़ें हैं तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है पूरा बंग में इसको सुहेला भी कहा जाता है और जो है ये एक दरअसल में एक मनकबत भी है क्योंकि ये ख्वाजा साहब की शान में है तो ये आ, कलाम ए, इस ये लिखने का जो अंदाज़ है पूरा ये अमीर खुसरो रहमतुल्लाह साहब की देन है क्योंकि आ, और उसके उन उसके बाद आप देखें कि इतना बड़ा एक ये इतना बड़ा ए, एक लिटररी मतलब वो था रेवोल्यूशन के हम देखते हैं कि रहीम से लेके और ऑल द वेटल मौलाना हसरत मोहानी जिन्होंने अपने आप को एक राधा की मानंद और भगवान कृष्ण जो थे मथुरा की सरज़मीन पे उनको वो हज़रत कृष्ण अल रहमा कह के पुकारते थे और उनकी शान में उन्होंने और वो पाँच गाना नमाजी थे परहेज़गार थे उनकी वाइफ़ पर्दा करती थी जब वो जेल जाते थे अंग्रेज़ों की जेलें आ, काटते थे तो वो उनका अखबार भी चलाती थी आ, आ, तो आ, और <स्याँग> और अखबार चलाते हुए भी बर्दादारी नहीं छोड़ती थी तो देवर फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम यूपी फैमिली बहुत एंड दे 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 बट वर बिलीवर्स इन द गंगा जमुनी तहजीब एंड दे वर आल्सो बिलीवर्स इन द फैक्ट दैट यू कैन यू कैन बी अ पर्सन हैज़ मल्टीपल क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल uh, वो कहते थे सूफी मोमिन हूँ इश्तराकी मुसलमान तो आई एम अ लेफ्टिस्ट एंड आई एम अ मुस्लिम एंड आई डोंट सी अ प्रॉब्लम सो और वो जब जेल में होते थे तो वो कहते थे कि बरसाना में तुम हो हज़रत कृष्ण अल रामा मैं यहाँ जेल में बैठा हूँ मैं आके तुम्हें तुम्हारे जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है मैं यू नो को कुखराज अकीदत में यहीं से भेज रहा हूँ तो कबूल करो तो आई मीन जस्ट इमेजन दिस कल्चर तो ये सब वो उसी दौर में ये शुरू हो रहा है देन यू नो यू हैव द होल ये जो मजमा बहरेन लिखी गई उपनिषद गंगा तो ये सारी चीज़ें रजमन जो है यानि मेरे ख़्याल में महाभारत जो है वो ट्रांसलेट होती है एम्पर अकबर के दौर में चंद्रभान ब्राह्मण जो हैं वो जो है ही इज़ द सेक्रेटरी टू द मुग़ल एम्पायर फॉर थ्री डिफरेंट जनरेशन ऑफ एम्परस एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट संस्कृतोलॉजिस्ट ही इज़ एन एक्सपर्ट परजनोलॉजिस्ट ही ट्रांसलेट्स द कुरान द हदीस

उनके पद आज तक मंदिरों में पढ़े जाते हैं रत्ना करोश्ती सदनम बड़ा मशहूर पद है वो आज भी पढ़ा जाता है अगर आप किसी से कहेंगे कि ये रहीम ने लिखा है वो यकीन नहीं करेंगे तो तुलसीदास और रहीम और ये सारी इससे पहले कि आप, आप शुरू करें अः ये जो आपने सारे जवाब दिए हैं एक सवाल आया था हमारे वक़ार रईस भाई टोरंटो के हैं उन्होंने एक सवाल किया था सवाल के दौरान की जरूरत नहीं ये हमने सिर्फ ये बताना है वक़ार रईस भाई को अब हो सकता है कि हमारे सूफी साहब ने जो कुछ बताया है उनको सवाल का जवाब मिल गया होगा तो ये सारी तस्वीर आपने बता दी है हमारी बहुत ही मोतबर बहुत बड़ी शायरा टोरंटो की टोरंटो से अब ऑटवा में है और आपको आदाब कह रही कहते हैं बिलाल साहब शदीद बर्फबारी में ऑटवा से आपके लिए दिली दुआएं ऑटवा में है वो इस वक्त और आदाब कह रही दुआई दे रही है अरशद हमीद अब्दुल हमीद भाई हमारे बहुत अच्छे जयपुर के शायर हैं वो आदाब कह रहे हैं और आतिफ बसरी दुबई से देख रहे हैं हमारे दोस्त वो आदाब कह रहे हैं महम जलाल अख्तर हमारे दोस्त हैं अली वो भी टोरंटो से देख रहे हैं और शायद हसन कह रहे हैं कि रूहानी जिंदगी की बेअंत जहतों में सबसे खूबसूरत आवाजें एकजा होने लगती हैं ये एक बहुत बड़ी हकीकत है बिल्कुल और तो सारे ये हो गए हिशाम सैयद भाई हमारे दोस्त हैं टोरंटो से वो भी आपको सलाम कह रहे हैं और एक और ले फिर बात करते हैं सैयद हुसैन अफसर भाई हमारे दोस्त हैं तो लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। और चलिए की फरमाइश तो वो तो में ये, ये देखे मैं इसी की जाने आ रहा था कि दरअसल तो ये दो कवाली दो अंग का गाना भी है ना लेकिन वो दो अंग सिर्फ टेक्निक के हिसाब से नहीं है कि आप क्लासिकल और फोक दोनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ये एक सिम्बोलॉजी um, की भी बात है आप किस तरीके की सिम्बॉलजी यूज़ करते हैं अपने कलाम में जैसे बाबा फरीदुद्दीन गनशक्कर को अगर कुश्त तो गान इश्क कहा गया है बाबा फरीदुद्दीन गनशक्कर को अगर कुश्त तो इश्क़ कहा गया है तो उनको रंग उनको रंग रंगीले भगवान ठाकुर महाराज कह के भी पुकारा गया है तो ये ये जो तो चीज़ें हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से दोनों जो संस्कृतियां हैं उन्होंने सूफियों को अपनाया और आ, सूफी कहते थे कि सबका हो के जियो और आ, ये कहानी हमें, हमें हमेशा बार बार मिलती है ना कि जब वो कबीरदास जी का विशाल होता है तो लोग उनकी लाश पे झगड़ रहे होते हैं फिर वो गुलाब के फूलों में वो बदल जाती है किसी कराम से और फिर आधों को दफना दिया जाता है और आधों को जला दिया जाता है तो ये स्टोरीज जो हैं ये इनके अंदर एक बात छुपी हुई है वो यही बात है कि जब तक तुम्हारी लाश पे भी ये लोग उधेड़ बुन ना करें हता की तब तक जो है तुम ये नहीं क्लेम कर सकते कि तुम सच में गंगा जमुनी तहजीब के बानी हो और ये सूफी भक्ति कल्चर के तुम में तुम खड़े हो तो अपनी जिंदगी ऐसी हो कि तुम्हारे जाने के तुम्हारे होते हुए भी जो है लोग तुम्हारी मोहब्बत के लिए छटपटाएं और तुम्हारे जाने के बाद भी वो तुम्हें क्लेम करें तो अल्लाह दिया खान साहब जो थे बहुत बड़े सिंगर हुए इंडिया के वो कहते थे कि मुझे सरस्वती का दर्शन हुआ मैं जनेऊ पहनता था तो उनके इंतकाल के बाद लोग कहते थे भाई ये हिंदू है कि मुस्लिम क्या करें इनको दफनाएंगे तो बहरहाल तो ये इन, ये चीज़ें सिंबॉलिक हैं तो सिम्बॉलोजी की तरफ जब हम आते हैं सिंक्रेटिक सिम्बोलिजम्स इन स्पिरिचुअल पोएट्री इसमें साउथ एशिया बहुत ज़रूरी एक चीज़ है और अम, मैं इनवाइट करता हूँ एक्डेमिक्स को भी कि इस चीज़ पे ज़्यादा तोज्जह दें क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो गोंद हैं जो हमारे कल्चर को वापस जो तो भी उसमें ख़राब हो रहा है उसको वापस जोड़ सकती हैं जो चीज़ तो अब ये जो पोएम है ये एक ऐसी चीज़ है जो जाहिद निज़ामी साहब की लिखी हुई है और इसको न्याजी ब्रदर्स कव्वाल ने शायद एक दो दफ़ा पढ़ा है ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई तो बहुत अरसा पहले मैंने ये सीखी और बहुत चंद लोग इसको गाने वाले हैं जिनमें मैं शुमार हूँ और मुझसे देख हमारी आ, 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 हम सब की आ, एक अजीज़ बहुत दोस्त थी और आ, सूफी सूफीज़म से मोहब्बत करने वाली और बहुत ज़्यादा अकीदत वाली और अल्लाह उनके जन्नत में मकाम दर्जात उनके बुलंद करें वो जो थी आ, वो इतना मुतासर हुई कि उन्होंने कहा कि मैं ये जिस वक्त मेरी रूह मेरा जिसम छोड़े मैं ये कलाम सुनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस कलाम को जो है मेरे कब्र के पत्थर तक पे लिखवाया जाए तो ये वो कलाम है जरा ये 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 मामले हैं देखिए ये बुज़ुर्गान दीन के मामले हैं ये उनके और उनके चाहने वालों के बीच में आशिकों के मामले हैं तो इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते हम लेकिन इतना कर सकते हैं कि मैं वो कलाम आपको थोड़ा सा गा के सुना दूँ और देखे। देखे। आप आँखें बंद करके सुनिएगा और देखिए कि शायर जो है कितनी मोहब्बत से जो है ख्वाजा साहब को जो है उनकी बात कर रहा है और वो उनको कहता है कि मेरे भोले निजाम मेरे भोले निजाम जानो ईमानो दिल तुम पे वारी और जीत ली तुमने बाजी मैं तो हारी तो वाँ वाँ वाँ। <laughs> मैं तो हारी यानी तो हारी और मैं तो हारी इसमें दोनों चीजें हैं टू टू यू तो योर लव तो ये अमीर खुसरो साहब ने जो स्टाइल शुरू किया हिंदी में लिखने का यह उसी का एक एक्सटेंशन है ऐसा ही हम हाँ। अपनी छब बना के अपनी छब बना के मैं जो पी के पास गई छब देखी जो छब देखी जो पिया की शब देखी जो पिया की मैं तो अपनी भूल गई मैं तो अपनी भूल गई अजी जानो मानो दिल तुम पे वारी नी जा जानो मो दिल तुम जीतली जीतली तुम बज़ीारी जाम जीत तुम बी करके कुर्बान तवजो कर के शर्मो हया अकलो दिल करके कुर्बान शर्मो हया अकलो दिल करके कुर्बान शर्मो हया अकलो अजीब बन गई हाँ, हाँ, हाँ बन गई मैं तो जोगन तुम्हारी नहीं बन गई मैं तो जो और जीत ली तुमने बाजी मैं हारी ने जाम जानो मक्का पढ़ रहा हूं अब जाहिद के महशर में में ढकना पिया या फिर यूं कहिए के हम सबके के महशर में ढकना पिया हम सबके में ढक ढकना पिया क्यों? के आप का काम है आपका काम है राजदारी आप काम है राजदार और जानो ई मानो दिल तुम ने जाम जीत ली बाजी आओ सखी मिल चौ सर खेले आओ सखी मिल चौ सर खेले अपने पिया के संग जीत गई तो पिया मिलेंगे और हारी पी के संग जा जान जीते हम बाप जी, मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है कहते हैं कि मुफ्ता अगरज बे गुलामी मनम खाजा निजामुस्तू निजामी मनम तो वा, जो है इंशाल्लाह यही दुआ है कि जिन जिन लोगों ने बुजुर्गान ए दीन से मोहब्बत की यकीनन वो उनका उनके दामन के साए में हमेशा रहेंगे हम अभी आपसे पूछने जा रहे थे कि भाई ताजा दम فنکاروں के लिए कोई पैगाम आप बताइए कि सब कवाली गाने के अलावा क्या क्या करें वेल <laughs> well, देखिए ये करते की विद्या है जो पहली बात तो आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको सोर्स टेक्स्ट पढ़ने का सोर्स लैंग्वेज सीखने का और सोर्स जो म्यूजिक है उसमें तालीम और तरबियत लेने का कोई जौक नहीं है और मेहनत करने का कोई जज्बा नहीं है उनमें टैलेंट बहुत है लेकिन वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं आ, एक बड़ा मशहूर वाक़ है उस्ताद हुसैन साहब बहुत बड़े फ़नकार बहुत अजीम शान फ़नकार और कुत्त तबला इस ज़माने के बल्कि मैं कहूँगा कि रिदम के राजा वो एक खातून उनके पास आई हाँ। उनके किसी कॉन्सर्ट के बाद शायद इंडिया में इंडिया के किसी कोने में उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ ख़त्म हुआ तो अपने बच्चे को लिए लिया आई पैर छो पैर छो उस्ताद जी के पैर छो बोलिए जाकिर साहब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल आपके जैसा बजाए मैं चाहती हूँ कि इसको आप सिखाएं तो वो थोड़ा सा तो वो कुछ कहने लगे होंगे कि मैं तो बाहर रहता हूँ और आप किसी अच्छे से अभी तो इनकी तो शुरुआत भी नहीं हुई तालीम की तो कहने लगी कि नहीं नहीं तालीम क्या आप जल्दी से इनको कुछ सिखा दें कितना टाइम लगेगा इनको आपके जैसा बनने में आप बस थोड़े दिन इन्हें सिखा दीजिए तो बिल्कुल आपके जैसे हो जाएंगे आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा आपके जैसा बनने में तो उन्होंने तो अब जाकिर साहब की भी फिट बहुत लेजेंडरी है तो उन्होंने यूं सोचा होगा अब अभी दो जन्म लगेंगे और वो उठ के चल दिए तो दरअसल में गाना बजाना और शेर व शायरी और बेसिकली अदब अदबियत जो है और तहजीब और जो ये सारा जो लिटरेचर का असासा है हमारे पास ये पोइट्री है ये रागदारी दारी मौसीकी है ये पता नहीं आजकल लोगों ने इसको क्यों मजाक की तरह एक ले लिया है और जिसको देखो कोई गज़ल सिंगर बन गया है कोई सूफ़ी सिंगर बन गया है तो और वो गज़ल को गजल बुलाते हैं तो ऐसे लोगों को तो मैं सूफ़ी सिंगर नहीं गूफी सिंगर कहूँगा और आजकल इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि आई वुड से के यू नो दे शुड बी सम काइंड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर ऑल इफ़ यू नीड टू गो वर्क इन अ बिग कंपनी यू नीड सेवरल डिग्रीज़ राइट यू नीड एन बी एम बी अ बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स और अ मास्टर्स इन समथिंग ऐसा क्यों है कि फिर म्यूज़िक जो है उसमें आप बिना जो है ना मतलब ऐसे ही पहुँच जाते हैं बिना किसी तरबियत के बिना किसी तालीम के बिना किसी अदब के तो आई वुड स मैं तो यही कहूँगा कि द लॉन्ग वे इज़ द ओनली वे और um, ये भी एक साधना है सुर भी एक साधना है एक इबादत है तो इसको ऐसे ही लिया जाए संजीदगी से और इसका मजाक ना बनाया जाए आ, और वन इज़ ऑलवेज़ लर्निंग मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ मतलब तो इसीलिए मैं किसी को कोई टिप्स नहीं दे सकता मैं बस ये कह सकता हूँ कि सीखना कभी बंद नहीं होता और सिर्फ कॉपी करना कॉपी मारना और बहुत सारी महंगी महंगी सॉफ्टवेयर लेके अपना गाना दुरुस्त कर लेना यह कोई गाना बजाना नहीं है और और अच्छी सी वीडियो बना लेना जिसमें आप कुछ खूबसूरत चेहरों को

इट इज योर आज आपकी फरमाइश पूरी हुई बहुत सारे दोस्त भी आ, शुक्रिया कह रहे हैं फारूक बख्शी हमारे न, दोस्त हैदराबाद से आपको आदाब कह रहे हैं और आ, हमारे एक और दोस्त खुर्शीद अहमद भाई हमारे टोरंटो से आपको आदाब कह रहे हैं जिन जिन लोगों ने जो हमारे मदरसे में देर से आए आज वो इसको YouTube पर भी देख सकेंगे वहां भी देखिए आप एक बार फिर निगार शाहिद हमारी छोटी बहन है कोलकाता से देख रही हैं आप भी ज़रा जल्दी आए कीजिए मालूम है कि किचन में काम बहुत होता है तो मगर काज़िम भाई हमारे काजिम मोहम्मद हमारे नोटंकी के दोस्त हैं और दिल्ली के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन की तारीफ़ कर रहे हैं काजिम भाई आप भी इसे बाद में देख सकते हैं आज जो है सब सत्ताईस फरवरी बड़ा मुबारक दिन है हमारे लिए 2021 आज कुछ ख़ास दोस्तों की सालगिरह भी है आपकी इजाज़त और दुआ के साथ उनको मुबारकबाद भी देते चलें मारूफ हरदीज़ शायर मेरे जिगर रहमान फ़ारिस लाहौर मेरी ड्रामा स्टूडेंट महरीन मोरीशस मेरी कोलकाता की सोशल एक्टिविस्ट दोस्त सायरा शाह हलीम साथी जिगर ललित ठक्कर टोरंटो डॉक्टर नीरज शर्मा संभल और एडिशनल एसपी जिगर मकसूद हसन मुर्शिदाबाद ए एम यू ड्रामा क्लब के एक्टर उमित कु, अमित कुमार आप सबों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक जिगर ध्रुव संगरी भाई मेरे बिलाल चिश्ती आप कभी दिल की गहराइयों से सभी में कल्ब से शुक्रिया खुदावंद आपको सलामत रखे कि आप हम जैसों के दिलों का बोझ कम करते हैं और दोस्तों आप सबका भी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया अपने अहबाब और अजीज़ों को हमारे YouTube चैनल आवारगी दानिश सब्सक्राइब करने का हौसला बढ़ाया कीजिए बल्कि वरगलाए कीजिए अब तो जाते हैं मैकते से मीर फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया खुश पाश बहुत बहुत शुक्रिया